Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. धन्यवाद अनुभा और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को. मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है. प्रतिदिन की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद कोहली जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत. नमस्कार जी. नमस्कार. थैंक यू सो मच. और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा. कैबिनेट अप्रूव्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर. गवर्नमेंट टू स्टार्ट एडमिनिस्ट्रिंग कोविड-19 वैक्सीन टू पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ. एंड बेंचमार्क स्टॉक्स सर्ज अराउंड 2%. सेंसेक्स रीगेन्स 50,000 मार्क. निफ्टी क्लोजेस नियर 15,000 लेवल. मंत्रिमंडल ने औषधि क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. सरकार ने कहा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को पहली मार्च से कोविड का टीका लगाया जाएगा. और प्रमुख शेयर बाजारों में लगभग 2% का उछाल. सेंसेक्स ने 50,000 के स्तर को दोबारा हासिल किया. निफ्टी 15,000 के स्तर के नजदीक हुआ बंद. और कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रिमंडल के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले से. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दवाओं से संबंधित 2020-21 से 2028-29 तक की अवधि की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है. इससे घरेलू दवा निर्माताओं को फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इससे उपभोक्ताओं को वाजिब दामों पर कई दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से देश में महंगी दवाओं के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. इससे जटिल और उच्च टेक्नोलॉजी पर आधारित औषधियों के विकास में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा और देश महत्वपूर्ण दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेगा. इससे देशवासियों को अन्य चिकित्सा उत्पाद भी उपलब्ध हो सकेंगे वाजिब दामों पर. योजना से देश के औषधि क्षेत्र में 15,000 करोड़ रूपये का निवेश होने की भी संभावना है. योजना से कुशल और अकुशल रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. अनुमान है कि औषधि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने से रोजगार के 20,000 प्रत्यक्ष और 80,000 अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न होंगे. शरद कोहली जी, कैबिनेट का ये डिसीजन जो है फार्मा सेक्टर को लेकर के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? मुझे लगता है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और आज भारत सरकार के इस निर्णय ने मुझे लग रहा है उसको और दुरुस्त कर दिया है. क्योंकि हम अगर विश्व में भारत की स्थिति देखें फार्मेसी सेक्टर में, तो पूरी दुनिया का 20% फार्मेसी शेयर भारत के पास है. अगर हम खाली वैक्सीन्स की ही बात करें तो करीब करीब 62% दुनिया की वैक्सीन्स भारत में बनती हैं, भारत से निर्यात की जाती हैं. तो मुझे लग रहा है कि भारत का वर्चस्व फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में और बढ़ाने के लिए और निजी क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए, मुझे लग रहा है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक चिंगारी की तरह काम करेगी. और इससे जो छोटे छोटे फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्योंकि जो बड़ी कंपनी थी हमने देखा था कि वो अपने आप को संभाल लेती थी. हम इस शो में कंपनीज का नाम नहीं लेते हैं, पर हमने देखा कि जो छोटी कंपनीज थी जिनके पास रिसर्च भी है, R&D की पूरी सुविधा उपलब्ध है, पर उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता था. तो मुझे लग रहा है सरकार के इस कदम से उन छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जिनके पास बहुत हुनर है, अगर हम उनके हुनर की बात करें, अगर हम उनकी काबिलियत की बात करें, उनके पास बहुत है. और वो छोटी छोटी जिनको हम बुटीक फार्मेसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कहते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा और प्रोडक्शन इंसेंटिव मिलने से उनको ये महसूस भी होगा साथ में कि सरकार उनके साथ है. देखिए, जब सरकार किसी भी उद्योग में साथ देती है, मुझे लग रहा है उस उद्योगपति का, उस उद्यमी का उत्साह भी बढ़ जाता है, साहस भी बढ़ जाता है और काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है. तो मुझे लग रहा है फार्मेसी सेक्टर को एक बहुत बड़ा इससे प्रोत्साहन मिलेगा. निजी भारत में ही और विदेशों में दोनों जगह
फार्मेसी में भारत का वर्चस्व बढ़ने वाला है। मिस्टर कोरी, नॉट जस्ट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट टुडे ऑल्सो अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स एज वेल, इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पीसीज एंड सर्वर्स। So, all in all, a very important announcement. Last week, the government announced a similar scheme for the telecom sector. So, very briefly for our listeners who may not necessarily know about it, what is exactly production-linked incentive scheme? You see, for the IT and IT-related electronic items, we were witnessing that we were primarily dependent on China. And, you know, the import from China ranged from anywhere from 40 to almost 80 to 90%, depending upon the varying electronic products. So this is because the Indian manufacturers were unable to, you know, set up their factories or carry on or probably collect the capital, the manpower, the raw material. I think this scheme will be a booster dose for the IT-based electronic manufacturing, whether it is television, whether it is telecom equipment, whether it is any other equipment which uses chips, basically. So I think the local manufacturers would get a boost, and the dependence on China, this is in the real sense a booster dose for Atmanirbhar Bharat Abhiyan, because this is what Atmanirbharta is about, that when a government stands with you and when you reach a certain level of production, the government gives you a grant, the government gives you an incentive that, okay, you've reached a certain degree of production. Now you ask me that what is the production linked scheme? You see, we will have to read the finer details, because for different sectors, the government is giving incentives in different ways, and the range has been from 5 to 10,000 crores for different sectors. I'm talking of the various chunks in which this PLI has been announced. So I think we'll have to wait for the details. But for sure, I mean, one thing we can assure our listeners that if you want to go into manufacturing of IT-based electronic items or pharmaceuticals, you can be rest assured that as you cross different milestones, you will find that these incentives will start flowing into your bank accounts by way of various facilitation from the government and by way of ready-made markets for you. Moving on, the government will start administering COVID-19 vaccine to people above 60 years of age from the 1st of next month. Those above 45 years of age with comorbidities will also be vaccinated in this phase. Briefing reporters in New Delhi today after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar said the vaccine will be administered free of cost at 10,000 government hospitals to these groups, while the cost of the vaccine at 20,000 private vaccination centres will be borne by them. और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज लगभग 2% का उछाल आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने फिर से 50,000 के स्तर को पा लिया, जबकि निफ्टी 15,000 के स्तर के नजदीक बंद हुआ। सेंसेक्स 2.07% के उछाल से 1,030 अंक बढ़कर 50,782 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 1.86% की वृद्धि से 274 अंक चढ़कर 14,982 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां पर भी बढ़त का रुख रहा, लेकिन सेंसेक्स के मुकाबले व्यापक बाजार का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.77% की बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.08% मजबूत हुआ। The benchmark domestic stocks today surged around 2%, even as the global cues were negative. The BSE Sensex regained 50,000 mark, while the NSE Nifty closed near 15,000 level. The Sensex gained 1,030 points or 2.07% to finish at 50,782. The Nifty also rose 274 points or 1.86% to end at 14,982. The broader market at BSE also climbed but underperformed the Sensex. The BSE mid-cap index gained 0.77%, while the BSE small-cap index appreciated 1.08%. In the Sensex pack, shares of 23 companies climbed, while 7 logged losses. Axis Bank was the top gainer as it surged 5.2%, followed by HDFC Bank, which climbed 5.1%. ICICI gained 3.9%, Bajaj Finance rose 3.2%, and SBI added 3.1%. On the other hand, Dr. Reddy tumbled 1.4% and Power Grid declined 1.3%. TCS fell 1%, while Sun Pharma and Asian Paints both slipped 0.5%. In sectoral indices, 17 out of 19 sectors climbed. BankEx sector gained 3.7% and Reality surged 3.3%. Energy rose 1.9% and capital goods climbed 1.8%. Telecom and industrials both added 1.5%.
On the other hand, power and utilities fell marginally 0.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,854 companies gained, while 1,081 declined. Shares of 164 companies remained unchanged. During the business session, the National Stock Exchange today halted its trading at 11:40 a.m. due to a technical glitch. Later, the trading has been resumed at 3:30 p.m. Considering the shortened time of trading due to the glitch, the BSE and the NSE both extended trading time for 90 minutes till 5 p.m. Mr. Kohli, obviously a good day for the markets today. More than 200 points, the Sensex gained over 1,000 points, while the Nifty rose 274 points. A lot of factors, of course, went into it. The fact that there was also one of the important factors was that the cabinet today, centre today, lifted the embargo on the grant of government business to private banks. And basically, if you look at the Sensex, the private banks' shares are what led the rally in the market. Yes, absolutely. That was the trigger point. And as I've been talking, that market now needs, news and triggers. Otherwise, as far as the major, the larger picture of the world economy and the Indian economy is concerned, the larger picture and the good news, I would say, have been pretty much discounted. So we will have to keep looking at these smaller news coming in. Yes, I think a big announcement for the private banks that the embargo on in participation of government schemes, the government scheme were flowing into the public by way of government banks, the nationalized banks. But I think now with the participation of the private banks, I think there was a buoyancy, there was a very positive sentiment driven in the market that now the private banks can be at par. They will be on a similar wicket as far as the nationalized banks are concerned. So I think that drove the market. Then we are also witnessing a very, very promising demand from the real estate sector, which has been a bit of a surprise because Shares have been gaining recently. Absolutely. We've been witnessing very positive vibes from the realty sector, and that is what is driving companies which pertain to the real estate sector. So if you see the number two gainer or the number two driver, shall I say, for the Nifty and the Sensex was the real estate sector, but primarily it was the message from the government to lift the – because before this technical glitch happened at 8:40, the market was positive, but a bit subdued as well. But the moment, the trading five, we found that suddenly this news came in and the traders went gaga about the banking and financial sector. So I think it's good news. But overall, I would say the sentiment still is on the cautious side. We will keep hearing these news and small triggers, but we will also at the same time witness minor corrections coming. So the volatility is going to be high. So it's a word of caution for all the investors and listeners of Market Mantra that please be very cautious. Don't get driven by sentiments. Be very watchful. Be very careful. Be very selective in picking the stocks and only pick up fundamentally strong companies, preferably for long term. You're talking about volatility, and of course, towards the closing sessions today, we saw volatility, quite a bit of volatility, both in the Sensex and Nifty after the trade resumed at NSE. Do you see this kind of a volatility to continue in the coming days as well? Oh yes, without a doubt. In fact, the whole scenario around the world in the financial and the world economy. If we start from America, you see, I mean, last night Jeremy Powell, the Fed chair. He gave a mixed statement. He said the corona concerns are there and the economy is going through a difficult situation. At the same time, he said that Fed remains committed to support the American economy. So I think it was a kind of a mixed reaction. Then, the bond yields going up in the U.S. Thereafter, we are witnessing coronavirus in Europe is still in its full flow. So is America. At the same time, vaccines are going on with full flow. So I think there is a bit of a mixed sentiment and investors are sort of confused. So when the investors remain confused, also across the sectors, across different assets, we talk of precious metals, we talk of cryptocurrencies, we talk of basic commodities. We are witnessing that there is a sector rotation. Sometimes we see cryptocurrencies rising. Sometimes we see gold coming down, then taking a U-turn. So it's a bit of a mixed sentiment around. Whenever there is a mixed sentiment, the markets are bound to be volatile. और शरद जी, अगर व्यापक बाजार की बात करें तो आज मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में हालांकि बढ़त का रुख दिखाई दिया, लेकिन सेंसेक्स के मुकाबले इनका प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में आपको क्या लगता है कि क्या संभावनाएं हैं निवेशकों के लिए?
मैं मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर मध्यम और लंबी अवधि में अभी भी बहुत पॉजिटिव हूं, बहुत बुलिश हूं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रैली पीछे हुई है मार्च से लेकर अब तक हमने देखा है, जबकि निफ्टी करीब करीब डबल हो गया, सेंसेक्स भी 30-32,000 से आज 50,000 पार कर चुका है, पर मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया है, इनके वैल्यूएशंस आज भी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत लुभावने हैं। और फर्क क्या है कि पहचान वाला निवेशक चाहिए, उस पहचान के लिए मैं तो निरंतर ये बोलता हूं कि आप अगर स्वयं पहचान कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स की, ऐसे हीरो की, जहां की आप निवेश करके अपने पैसे को थोड़े ही समय में बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, तो आप स्वयं करिए। अगर आपको लगता है किसी जानकार की आपको मदद चाहिए, आप लेके करिए। मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी बहुत पोटेंशियल है, और हम देख रहे हैं निरंतर, आप देखिएगा शेयर मार्केट में कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कभी मेटल्स चल पड़ते हैं, कभी फाइनेंशियल सेक्टर चल पड़ता है, कभी आईटी चल पड़ता है, कभी फार्मा चल पड़ता है, कभी एफएमसीजी चल पड़ता है। तो ये रोटेशन इस बात को बताता है कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जिस जिस क्षेत्र में है वहां पर आज भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव मिलेंगे, और लंबी और मध्यम अवधि में मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बहुत पोटेंशियल है। और विदेशी निवेशक जो है, जिनको हम विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं, एफआईआईस कहते हैं, उनकी भी आपको हैरानी होगी सुनके कि उनकी भी नजरें, उनके जो रिसर्च की टीम है वो निरंतर मिड कैप स्मॉल कैप ढूंढती रहती है, क्योंकि लार्ज कैप का तो यूं ही बहुत जिक्र हेडलाइंस में हो जाता है, पर मिड कैप स्मॉल कैप को वो ढूंढ ढूंढ के निकालते रहते हैं। Moving on, the rupee today appreciated 14 paisa to settle at 72 rupees and 33 paisa against the US dollar amid gains in the domestic stocks and weakness in the American currency. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of six other leading currencies, fell 0.09% to 90.09 in intraday trade. Aur ab baat karte hain Asiai bazaron ki. Asiai share bazaron mein aaj giravat rahi, badhti byaj daron se niveshkon ne एहतियात बढ़ती है। अमरीकी और यूरोपीय शेयर बाजारों में कमजोरी के संकेतों का असर भी एशियाई बाजारों पर पड़ा है। हांगकांग का हैंगसेंग आज 3% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी ने में 2.5% की गिरावट रही और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2% टूट गया। जापान का निकेई 1.2% के नुकसान में रहा। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स में 1.2% की बढ़त दर्ज हुई। बात यूरोपीय बाजारों की करें तो अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजारों में कुल मिलाकर कारोबार मिलाजुला रहा। लंदन का फुटसी 100 0.2% गिरा, जबकि फ्रांस के कैक में 0.1% और जर्मनी के डैक्स में 0.8% की बढ़त देखने को मिली। शरद जी, एशियाई शेयर बाजारों में जो ये दबाव देखा जा रहा है, ये देखा जाए तो कुछ एशियाई बाजार दबाव में दिखे, आज गिरावट रही, लेकिन वहीं अगर हम सिंगापुर के स्टेट टाइम्स की बात करें तो वहां 1.2% की बढ़त दर्ज हुई है। ये विरोधाभास कैसा है? देखिए, विरोधाभास ये बताता है कि सेंटिमेंट मिक्स्ड है, और ओवरऑल हम देखें तो दबाव बना रहा है, और दबाव कहां से चल के आता है, आज भी हम भले ही इस बात को माने या ना माने, इस बात को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि अमेरिका से जो मैसेज आता है वो मैसेज यूरोप में और एशिया में जाता है, और कहीं ना कहीं उसका असर दिखना लगता है जी। हमने देखा कि अमेरिकन बाजारों में बॉन्ड यील्ड्स पिछले कुछ हफ्तों में बढ़े, 1.34 कल की बॉन्ड यील्ड थी, जो दुनिया की डेट है जिसको हम उधार कहते हैं, वो आज हम आज श्रोताओं को एक आंकड़ा देते हैं जो कि उनको बड़ा रोचक लगेगा कि वर्ल्ड डेट 350% जीडीपी की हो चुकी है। वर्ल्ड जीडीपी की बात करें, मतलब 3.5 गुना हो चुकी है। लिक्विडिटी बहुत आ चुकी है मार्केट में, अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं एशिया की, यूरोप की, वो अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि अब इस लिक्विडिटी को धीरे धीरे करके सख्त करा जाए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बढ़ाने का रिस्क रखता है, और अमेरिका में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को लेकर काफी डर बना हुआ है। तो और यूएस का जो स्टिमुलस पैकेज है उसकी भी घोषणा कई दफे करी जा चुकी है, उसमें निरंतर उस पर बातचीत चल रही है, वो डिले हो रहा है, हालांकि आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए कमिटेड है, तो मुझे लग रहा है उसको आने से थोड़ा सा सेंटिमेंट आपको लगेगा। पर यहां भारतीय बाजार की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखें कि निरंतर जब विदेशी संस्थागत निवेशक इन्वेस्ट करते रहे तो जो हमारे जो लोकल संस्थागत निवेशक थे जिसको हम DII कहते हैं, उन्होंने निरंतर सेलिंग करी, वो पीछे कई हफ्तों, वो खरीदते रहे या बेचते रहे, अगर दोनों ही खरीदते रहते तो शायद मार्केट आज कहीं और होती, तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करते हैं। आपने एशियाई बाजारों की विशेष बात पूछी, तो एशियाई बाजार अभी हमने देखा कि पीछे ल्यूनर न्यू ईयर की वजह से बंद रहे थे, उसके बंद रहने की वजह से थोड़ा सा जो कनेक्ट होता है अमेरिकन मार्केट से वो हट गया था,
मुझे लग रहा है जो जो हम आगे बढ़ेंगे आपको एशियाई शेयर बाजार और अमेरिकन शेयर बाजार फिर से अलाइन होते हुए दिखेंगे। और हम फिर मैं कहता हूं माने या ना माने जो सबसे स्ट्रांग मैसेज है वो आज भी अमेरिका से ही आता है जो कि विदेशी बाजारों को बाकी के बाजारों को आगे की तरफ ड्राइव करता है। और अगर बात करें तो जो दुनिया के जो एशिया के जो उभरते हुए बाजार हैं उनको अगर देखें और भारतीय बाजारों को देखें तो विदेशी निवेशकों का खासतौर पर पोर्टफोलियो निवेशकों का जो है पीआईएस का जो भरोसा भारतीय बाजारों में ज्यादा दिखाई पड़ता है। बहुत स्वाभाविक है और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है। मुझे लग रहा है भारत मैं एक अर्थव्यवस्था का विशेषज्ञ होने के नाते मैं बहुत कन्विक्शन से ये बात कह सकता हूं और बड़े फख्र से अपना छाती चौड़ी करके बोल सकता हूं कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से होने वाला है। इकोनॉमिक भारत एक वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है क्योंकि ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारी 65% आबादी 35 साल से कम करी है, भारत एक बहुत जवान देश है। तो मुझे लग रहा है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी अंडरटोन बहुत बुलिश है, सारे बहुत तेजी से सेक्टर्स बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना ने प्रभाव डाला है पर हम देखें विश्व के मुकाबले 11.5% IMF ने भारत की ग्रोथ का फोरकास्ट किया है, रिजर्व बैंक ने 10.5-11% ग्रोथ का फोरकास्ट किया है। तो मुझे लग रहा है ऐसी अवस्था में अगर मैं एक विदेशी निवेशक हूं, अगर अपने आप को मैं विदेशी निवेशक मानूं और मैं ढूंढूं सारी दुनिया में कि मेरा पैसा आने वाले 1 से 5 साल में कहां बढ़ेगा, मुझे लग रहा है मेरा केवल और केवल केंद्र बिंदु भारत होगा कि जितनी रफ्तार से भारत में मेरा पैसा बढ़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज $590 बिलियन के हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो चुके हैं, $590 बिलियन के। ये क्या बता रहा है कि बोथ FDI और FII फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट निरंतर यहां पर डॉलर आ रहे हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि रुपया भी मजबूत खड़ा हुआ है अपनी जगह जम के खड़ा हुआ है जबकि बाकी करेंसी वीक हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पूरी की पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है और हमें मुझे लगता है हमें इस बात को कहकर इस बात को सोचकर हर भारतीय को फख्र होना चाहिए। Moving on to the US markets, the Wall Street remained range-bound and under pressure amid profit booking and investors' cautious approach regarding economic recovery. However, the Dow and the S&P 500 closed with marginal gains. The Dow Jones and the S&P 500 both added 0.1%, while the Nasdaq Composite Index fell 0.5%. Mr. Kohli, we were just talking about the US Federal Reserve Chair Jerome Powell's statement last night. You did talk about it extensively. Now, in view of the rising fear of rising inflation, how do you see the U.S. Fed policy outlook in the coming months? And also, compared to that, the RBI policy rate prospects. You see, in the U.S., we are witnessing a word of caution because ever since the Biden administration has taken over, if you remember the classic argument between the Trump administration and the Biden administration was regarding the tax, that people are fearing that when Biden administration comes back, he will probably like to revert back to the high corporate tax which Trump had discounted at that time. So I think that is one concern. They are also talking of the wealth tax. See, let's not forget, Anubha, that the economies around the world have dried up in terms of the public revenue. The economies have not been able to generate the required amount of revenue, which is so much required for development of the country, to drive the country forward. So I think that with the Biden administration talking of corporate tax hike, talking of wealth tax, bond yields going up, and of course, the stimulus package getting delayed in discussion, there are multiple discussions, first Senate discussed, then the Congress discussed. So I think the whole, and of course inflation is a big fear because if the bond yields are 1.34, there is a very, very realistic fear about inflation. So bond yields, in fact, are a fear. The rising bond yields are a matter of concern for the investors. Even here in India, it seems to be a point of contention between the bond investors and the RBI. Very briefly, absolutely, what would you say? Absolutely. I was coming to that only because RBI, if you've been hearing about the RBI governor's comments and his reactions, he has been saying that we had flooded the economy with a lot of liquidity. The economy was inundated with liquidity. Now is the time because the inflation, the CPI and the WPI, we saw that the WPI, the wholesale price index, went up from 1% to over 2%. So is the CPI, and thanks to the petrol and diesel prices, they have also contributed to inflation. So I think the concern over bond yields and the realistic imagination of people that the interest rates would come down may not happen because if the inflation continues to be high,
it will be very difficult for RBI to bring down the rates. So I think you're right. So we have seen the reflections of what is happening in America happening in India also. That is why the RBI governor has been talking about reducing the liquidity yes. in the times to come. We cannot allow that much money to keep circulating in the economy, because whereas on one hand, during crisis, it is helpful, but as the crisis gradually fades away, that can be harmful, that can be detrimental as well. So we might see some moves from the RBI to probably suck away a little bit of liquidity to play the balancing act. But do you see this excess liquidity affecting the markets and, you know, bringing down the stock market? Yes, yes, definitely. Because all the time when the world was under lockdown, Anubha, from March till now, and when the lockdown gradually opened, we saw the stock markets rising. And, you know, the common investor, our average listener of Market Mantra and FM Gold were wondering that what is happening to the market when the world is in lockdown, the world is into recession. We have formally declared so many economies in technical recession. How come that the stock markets are rising? So the answer, and one word answer to that, was liquidity. So I think with the liquidity being sucked away, if the liquidity drove the markets up, any attempt to suck the liquidity in will probably contract the market. Having said that, the stronger fundamentals of the economy, good results of the companies, may probably neutralize the effect of that sucked liquidity to a certain extent. But overall, as I said earlier, I would reiterate on that fact that the investors need to be very, very careful from here. You may not witness the kind of bull run you witnessed over the last few weeks or months. In the times to come, there will be movements up and down which may seem extremely volatile. It may create fear amongst the investors. Yes. It may confuse the investors. But if they are well educated, they are fully knowledgeable, I'm sure they will be able to remain immune from it. So caution is the watchword here for the average Absolutely. Investor. Moving on, oil prices today gained amid weaker dollar. On the other hand, a build-up in U.S. inventories last week capped gains. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $66.20 per barrel, while WTI crude prices were around $62.30 per barrel. Now, Mr. Kohli, the oil prices, international oil prices, we see have yeah. been going up. And in fact, some analysts are saying that they may go even as high as $77 per barrel. So in that such a scenario, obviously, again, once again, the risk is, the fear is of higher inflation. And yeah. back home in India, some economists are therefore calling for regulating the taxes that are there on the fuel products yeah. and to bring yeah. Products, oil products like the natural gas, petrol and diesel under a GST. Yeah. What would Absolutely. You say? Absolutely. You know, 85% of our fuel requirements, Anubha, are being imported. So the country is in a cash 22 situation, because India is among exactly. India is the third largest consumer of fuel in the world after America and China. So, and with 85% coming from abroad, there is very little that the government can do. But yes, as you rightly said, considering that 60% and 54% of petrol and diesel right. constitute the taxes, which includes the excise and VAT. So I think the center and state need to come to a point of consensus. For let's not forget that the GST yes. Council is comprised of center and state representatives. So therefore, when both of them right. are at a level of consensus, we might witness fuel coming under GST, which will finally give some relief to the general consumers, who are right now, I think, in a bit of a pain because of the rising fuel. And every yes. time you visit a petrol station, Mr. Kohli, we will have to interrupt you here because we are nearing the end of the program. Thank you so much for joining us on the program. और अब बात कर लेते हैं बुलियन की. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें गिरने का असर घरेलू सरफा बाजारों पर भी दिखाई दिया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल माह के सौदों के लिए सोने का वायदा भाव 40 रुपए कम होकर 46,760 रुपए पर था. वहीं दूसरी तरफ चांदी मार्च महीने के सौदों के लिए 270 रुपए की मजबूती से 69,610 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. एंड बिफोर वी एंड, रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. कैबिनेट अप्रूव्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर. गवर्नमेंट टू स्टार्ट एडमिनिस्ट्रिंग कोविड 19 वैक्सीन टू पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ. एंड बेंचमार्क स्टॉक्स सर्ज अराउंड 2%. सेंसेक्स रीगेन्स 50,000 मार्क. निफ्टी क्लोजेस नियर 15,000 लेवल. एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. नमस्कार, गुड बाय. Market Mantra.
भारत।